नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के वो प्रॉब्लम्स किए थे जो आपके लास्ट एग्जाम्स में आए थे पिछले 3 सालों में, 2023, 2022, 2021। उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे कर लिए थे, हाइट एंड डिस्टेंस के भी, और बाकी जो क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री से आए थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए थे। लेकिन कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इनको देखना और समझना, कैसे आपको उनको एग्जाम में हल करना है, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली ये पूरा जो आज हम वीडियो करने वाले हैं, इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट निचोड़ आ जाएगा, मतलब ये आपका क्रैश कोर्स हो गया एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इसी तरह से आगे भी हम आपके लिए कोर्स लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए जैसी ये क्लासेस आप लोगों के लिए हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रूव दैट 1/1 - sin θ प्लस 1/1 + sin θ इज इक्वल टू 2 sec²θ। ये आपको प्रूव करना है। और बेसिकली एक और चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लाइक करना भूल जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपके दोस्त या और जगह अलग अलग जगह पर तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उन तक ये वीडियो पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप लाइक कर देंगे ज्यादा से ज्यादा तो सब तक ये वीडियोस पहुंच जाएंगे और सबको एग्जाम से पहले हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फास्ट, अभी देर नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1/1 - sin θ प्लस 1/1 + sin θ इक्वल टू 2 sec²θ। तो LHS और RHS इसमें हमें लेना होता है। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं एक बार, 1/1 - sin θ और प्लस 1/1 + sin θ। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ हमें ज्यादा करना नहीं होता है, सीधे सीधे एलसीएम आप लीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। देखिए 1 - sin θ 1 + sin θ कॉन्जुकेट दिए हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो वो ऊपर की तरफ वैल्यूज पहुंच जाएंगी। तो एक बार एलसीएम के लिए लिख देते हैं 1 - sin θ और इंटू 1 + sin θ। अब देखिए 1 - sin θ से 1 - sin θ डिवाइड हो जाएगा, 1 + sin θ का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 1 + sin θ आपके पास आ जाएगा, प्लस इसी तरह से 1 + sin θ को 1 + sin θ से डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - sin θ ये आ जाए। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 - है, तो अभी आपको मिल रहा है 2/, अब अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a+b और a-b ना, हम तो जानते हैं बिकॉज a+b और a-b क्या आता है बच्चों, ये आता है a²-b²। दैट्स व्हाई ये आ जाएगा आपका 1² - sin²θ। और ये आइडेंटिटी आप जानते हो, 1 - sin²θ क्या होता है, ये 1 - sin²a क्या होता है, ये होता है cos²a। देयरफॉर 2/cos²a। अब ये किसका रेसिप्रोकल है, cos 1/cos a क्या होता है, sec a होता है, तो देयरफॉर 2 into sec²a। क्यों नॉट a, यहाँ थीटा है तो हमें थीटा ही लेना है, वेरी सॉरी, क्योंकि हमने ऊपर a ले लिया, दैट इज वाई दैट इज थीटा, जो एंगल है वही एंगल आपको यहाँ रखना है। तो अभी आपका ये LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है ना sec²a इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos²a। तो जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है वही आइडेंटिटी यहाँ पर ये यूज हो रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ हो गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, लाइक होते रहना चाहिए क्लासेस को,
वीडियो को, ठीक है। यहां आपके पास एलएचएस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी तो हम जानते हैं बहुत सिंपल है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है ना, बिकॉज वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, वन अपॉन सेक यानी कि सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है, ये वन होता है ना। ये हमने पहली ही क्लास में, पहली जो वीडियो थी आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वीडियो, वो उसमें हमने ये सब बताया था आपको, तो उसको जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर थ्री है, प्रूव दैट, एलएचएस लिख देते हैं, टेन थीटा अपॉन sec थीटा माइनस वन प्लस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस वन। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा को कॉमन निकाल लो, बाहर लिख दो, बाद में इसको देखेंगे क्या करना है, और ये अपॉन आएगा वन अपॉन sec थीटा माइनस वन प्लस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन, ठीक है। अभी यहां पर एलसीएम लेना है, कॉन्जुकेट नजर आ रहे हैं आपको ये, तो टेन थीटा जब कॉन्जुकेट नजर आते हैं तो एलसीएम लेने में हमें थोड़ा हेल्प हो जाता है ना, ऊपर जाकर कुछ वैल्यूज कट जाती हैं और कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और sec थीटा प्लस वन, तो sec थीटा माइनस वन से sec थीटा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा sec थीटा प्लस वन, एंड प्लस sec थीटा माइनस वन से sec थीटा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो sec थीटा माइनस वन आ जाएगा। अच्छा देखिए, जो मैंने sec थीटा माइनस वन से sec थीटा माइनस वन कैंसिल हो रहा, sec थीटा प्लस वन आ गया, और अब क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, और ये वन से ये वन कैंसिल। तो अभी आपके पास, क्योंकि हमें tan में तो आंसर नहीं चाहिए, तो sin थीटा को भी लिखेंगे, tan थीटा को भी लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हम जानते हैं tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इनटू यहां पर ये 2 sec थीटा, अभी 2 sec थीटा ही लिख दीजिए, बाद में देखते हैं क्या करना है, और अपॉन ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, अच्छा नहीं माइनस वन, अच्छा इसको हमने पहली बार चेंज कर दिया, नो कोई जरूरत नहीं उसको चेंज करने की, ये तो tan स्क्वायर थीटा होता है ना, और tan थीटा, सॉरी दैट इज tan थीटा नॉट tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा है ना अभी, तो अभी तो tan थीटा लिखने में होगा, क्योंकि यहां मेरा कैंसिल होने वाला है, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन ये होता है tan स्क्वायर थीटा, जानते हैं ना ये बात आप, क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, इसलिए मैंने इसको वापस लिख दिया, तो tan थीटा तो 2 sec थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अब एक tan थीटा से एक tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, अब हम वैल्यूज को बदलेंगे, क्या करेंगे हम 2 sec थीटा को तो ये लिख दो, और ये अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, तो sin थीटा तो ये आ जाएगा, और अपॉन cos थीटा को जानते हो आप क्या होता है, अपॉन cos थीटा, वन अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है ना, इज इक्वल टू टू sec थीटा अपॉन sin थीटा और इनटू sec थीटा लिख दो, इस sec थीटा से sec थीटा डिवाइड हो जाएगा, और टू अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, इसलिए टू cosec थीटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका आज के प्रूफ होगा, आई होप आपको समझ आ रहा है, तो बहुत समझदारी के साथ चीजों को करते जाइए तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। अभी देखिए, हमारे पास sec थीटा था तो हमने वन अपॉन cos थीटा को sec थीटा लिखा, क्योंकि वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमें ये पता है कि cosec थीटा लाना है, अब वन अपॉन cosec थीटा क्या होता है, वन अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, और टू तो मल्टीप्लाई में आ ही रहा है, इसलिए टू cosec थीटा आपका ही फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पर बढ़ेंगे, एलएचएस यहां आपको गिवन है,
साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए, आपको साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लाना है, तो कॉट थीटा और टेन थीटा को ज्यादा अच्छा होगा कि हम साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दें, ठीक है? तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पर साइन थीटा अगर आपका एलसीएम आएगा, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को। देखो साइन थीटा नीचे अगर आप एलसीएम लेंगे, कुछ स्टेप्स में बोलूंगा तो उनको ध्यान से सुनना है आपको, तो वो साइन थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होने वाला है ना। चलिए एक बार मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि जगह कम होती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ डायरेक्ट चीजें बता दें, लेकिन एक बार लिख देते हैं इसको। ये साइन थीटा आएगा और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसी तरह से कॉस थीटा अपॉन, यहाँ कॉस थीटा एलसीएम आएगा और ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, कॉस थीटा है, एक बार बताते हैं, फिर वो गलती होती है, लास्ट तक गलती होती चली जाती है ना। कॉस थीटा आएगा, फिर कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा आएगा। अभी देखिए साइन थीटा को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं वही बोल रहा था कि सीधे यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? अभी ये वाला तो यही लिख देते, ये वाला क्या, तो ये साइन थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना? पता है ना आपको, 1 अपॉन a अपॉन b होता है, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, वो b अपॉन a हो जाता है ना, ये ऊपर चला जाएगा, 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस। अभी यहाँ एक चीज, अब हम कॉस थीटा भी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑब्वियसली, तो ये कॉस स्क्वायर, अभी मैं प्लस नहीं लगा रहा हूँ, क्यों नहीं लगा रहा हूँ बताता हूँ आपको। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो पहले तो इसको अपॉन, अभी देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेकर इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये हमारा सेम बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस कॉमन लिया है और इस माइनस को इस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देना है आपको। अब आप आराम से नीचे से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एलसीएम ले सकते हो, तो ये हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, ठीक है? ये टफ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करने का क्वेश्चन। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम बेस नीचे हो गया, तो ऊपर सीधे सीधे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ये आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहां पर आंसर आपका अलग है, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है। अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी तो एक इशू है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर आपको ध्यान देना है। नहीं, एक गलती हुई ना हमारी, हाँ वही वही सोच रहा हूँ, ये माइनस है नॉट प्लस तभी, ठीक है? तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि यहाँ माइनस हो चुका था ना बच्चे, हमने वही प्लस यहाँ वाला देख लिया, उसकी वजह से हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक आइडेंटिटी और जानते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसलिए यहां पर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और अपॉन साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, तो बस ये कैंसिल हो गया और आपका फाइनल उत्तर आ गया, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी एक साइन का हमारा मिस्टेक हो रहा था और ये सारा क्वेश्चन हमारा अलग हो जा रहा था, वो आंसर हमारा नहीं आ पा रहा था जो आना था। तो बड़े ध्यान से करना है, यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया था, क्यों? क्योंकि हमने बेस को सेम बनाया था। अब यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस होने की वजह से वो वन हो गया, तो फिर इतना ही सॉल्व होना, उससे ज्यादा सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ माइनस था, वो माइनस हमने वापस किया, तो फिर हमारा यहाँ आइडेंटिटी लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है? ये आर एच एस आपका आ गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। प्रूव दैट वन माइनस साइन थीटा एल एच एस, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। आरएचएस में आपको टू सेक थीटा लाना है, तो फिर से एलसीएम सी ले लो, कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है? अभी नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है ब्रैकेट में आपको, ये बाद में देखेंगे, तो ऐसे लिखते हैं, चलो ऊपर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, पता है ना आपको, एलजेब्रा तो पढ़ते हो, पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, ठीक है? तो यहाँ पर वन का स्क्वायर तो वन ही आएगा, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है? और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, वो भी लिखो, टूटना नहीं चाहिए, तो फिर तो मिस्टेक बन जाती है। इसको मैंने बोला ऐसे लिखा रहने दो, क्योंकि नीचे जितना ज्यादा आप प्लस माइनस में लाएंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, तो बेस यानी कि डिनोमिनेटर को आप सिंपल रखो, जब देखेंगे जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें ये मिल रहा है, तो ये वन हो जाएगा, है ना? तो लिख देते हैं, मिनट, वन प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन लिखा, और ये टू साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा ये प्लस क्यों होगा, प्लस नहीं होगा, ये माइनस वाला था तो माइनस वाला आइडेंटिटी लगाओगे यहाँ पर, है ना? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस आता है, तो यहाँ पर भी आपका ये माइनस, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? ये हमें कहाँ से आइडिया लगा, क्योंकि हमारा वन माइनस साइन थीटा है, तो वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है? अगर गलती बाई चांस हो जाए तो वहां से आपको पता चल जाएगा, तो कॉस थीटा और वन माइनस साइन थीटा तभी कितना आ रहा है, वन प्लस वन टू, टू कॉमन ले लोगे तो ऊपर वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है ना? देखो फिर से भाई, यहाँ कॉस थीटा क्यों आ गया, यहाँ कॉस थीटा भी नहीं आएगा ना, वन माइनस साइन थीटा था, यानी ये सब चीजों का ही आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ बेसिकली ये कॉस स्क्वायर थीटा था और यहाँ टू साइन थीटा इन टू वन, ठीक है? देखो ये सब आगे जाकर परेशान होने लगता है अगर गलती कहीं हो जाती है, अभी तो क्या आ जाएगा, ये वन माइनस साइन थीटा आ जाएगा और अपॉन कॉस थीटा, और ये भी वन माइनस साइन थीटा आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा से वन माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और टू अपॉन कॉस थीटा टू साइन थीटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इस तरह के मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, तो उनसे हमें बचना है,
बड़े ध्यान से करोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसानी होती चली जाएगी चीजें। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट LHS लिख देते हैं इसका, 1 + tan² θ अपॉन 1 + sec θ, और RHS में आपको sec θ लाना है, तो क्या किया जाए, है ना, कुछ आसान बन जाए चीजें। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि सबको कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस पहले, और चीजें भी कर सकते हैं कि इसको sec²θ - 1 लिख दें या कुछ और लिख दें या एलसीएम ले लें, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड ही हो रहा है। सबसे इजी है इसमें कि 1 + इसको आप लिखो sin²θ अपॉन cos²θ और अपॉन 1 + 1 अपॉन cos θ, ठीक है। अब अभी तो 1 + ये sin²θ अपॉन cos²θ और अपॉन, ये अपॉन अलग है, प्लस अपॉन वो अलग है, पूरा मत कर देना, cos θ एलसीएम लोगे, cos θ + 1 और अपॉन cos θ, इस एक cos θ से ये वाला cos θ एक कैंसिल हो जाए, डिवाइड हो जाए, है ना, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक cos θ बचेगा और ये cos θ + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो इधर लिखते हैं 1 + sin²θ अपॉन cos θ और 1 + cos θ लिख दो, 1 + cos θ, बहुत सिंपल आंसर लाना है sec θ। तो sec θ कैसे आएगा, जब आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करके एलसीएम भी ले लो, cos θ + cos²θ, और वो एलसीएम यहाँ इसके साथ 1 के साथ एलसीएम आएगा, cos θ + cos²θ अब +sin²θ यहाँ ऑलरेडी है इसका, आई होप आप एलसीएम वगैरह लेना जानते हैं। और नीचे हमारा अभी इसको ऐसे लिख रहे थे cos θ, मतलब हमने ऊपर एलसीएम ले लिया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नीचे हमने अभी इसको ऐसे छोड़ा है, छेड़ छाड़ लेगा। अब cos²θ + sin²θ क्या होता है, 1 होता है ऑब्वियसली, तो ये 1 + cos θ आ जाएगा और अपॉन cos θ × 1 + cos θ, ये 1 + cos θ से 1 + cos θ कैंसिल हुआ, तो 1 / cos θ कितना होता है, sec θ होता है, तो sec θ आपका ये फाइनल आंसर है। तो थोड़ा ध्यान से करते रहोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। अभी हमने एलसीएम लिया, ऊपर जाकर ओपन किया, नीचे हमने ऐसे ही लिखा, क्योंकि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके नीचे भी लिख देते तो फिर वापस हमें कॉमन लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा 1 + cos θ कैंसिल होना था, तो वो ध्यान में रखते हुए हमने आगे इसको सॉल्व किया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आइए, प्रूव दैट √1 + cos θ / 1 - cos θ + √1 - cos θ / 1 + cos θ 2 cosec θ आपको लाना है। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान से करोगे। आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, सबसे जरूरी वो, क्योंकि कौन सी आइडेंटिटी हमारी, देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपकी यूज होती रहती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो यूज होंगी ही होंगी, तो बस वो अगर आपके ध्यान में है तो आपके लिए आसान हो जाता है। देखो यहाँ पर अंडर स्क्वायर रूट के अंदर है ऑब्वियसली, तो एलसीएम स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा, 1 - cos θ और 1 + cos θ, और आप एक चीज और देख रहे हो कि ये एक दूसरे से कॉन्जुगेट ऊपर नीचे भी लिखे हुए हैं, तो ये 1 + cos θ का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा क्या, 1 - sin cos θ से कैंसिल होकर आ जाएगा, ऑब्वियसली होल स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, तो 1 - sin θ का 1 - cos θ का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा, नीचे स्क्वायर रूट में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा ये कर सकते हो कि इसको रैशनलाइज यही कर दो, 1 + cos θ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो वो भी ठीक है, तो वही कर लेते, पहले इसको रैशनलाइज कर देते हैं, है ना। मैं रैशनलाइज करके लिखे देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए पूरा, 1 + cos θ और इसका जो नीचे वाला है इसका रैशनलाइज, यानी कि इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर ये माइनस है तो प्लस कर देते हैं,
वन प्लस कॉस थीटा ही हो जाएगा ऊपर, और नीचे वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, सेम एज ये नेक्स्ट वाले में आएगा वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि नीचे वन प्लस कॉस थीटा है तो कॉन्जुगेट वन माइनस कॉस थीटा होगा, वन माइनस कॉस थीटा और अपॉन वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। अभी आप देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ऊपर इसलिए स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सब जानते हैं, तो इसलिए अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा क्या होगा, वन माइनस वन का स्क्वायर वन और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अभी तो कुछ समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अभी ऊपर नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, ये जानते हो आप, हाफ पावर होती है ना, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो टू इंटू हाफ वन होता है, तो सीधे लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। अभी आपके पास कम जगह बची है, अभी यहाँ साइन थीटा तो ऐसे सेम आ रहा है, तो मैं एक स्लाइड आपके लिए ले लेता हूं, ये सेकंड दीजिए, ये क्वेश्चन को हटाएंगे यहाँ से, चलिए तो क्या आ रहा था लास्ट स्लाइड पर हमारे, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका रूट हट गया हमारा, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब यहां पर साइन थीटा आपका एलसीएम आएगा, सेम बेस होता है मतलब सेम डिनोमिनेटर होता है, तो सीधे सीधे प्लस माइनस भी कर सकते हो, तो वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टू अपॉन साइन, और वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कॉसेक थीटा होता है, इसलिए ये टू कॉसेक थीटा, टू कॉसेक थीटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक यही प्रूफ करना था, ठीक है, टू कॉसेक थीटा लाना, तो बड़े ध्यान से करने के क्वेश्चन होते हैं, जितना ध्यान से आप करेंगे उतना आसानी के साथ होते चले जाएंगे, कहीं भी आपने छोटा सा मिस्टेक किया, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकता है, साइन का मिस्टेक हो सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा उलझ जाएगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कुछ ज्यादा सोच लिया है, सीधे सीधे चीजों को करिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का आपको आइडिया होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एलएचएस है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा लाना है, तो फिर से आप देख रहे हैं कि रैशनलाइज हमें यहाँ करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट है तो रैशनलाइज बिल्कुल करो, तो करना है तो 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा, नहीं 1 प्लस साइन थीटा नीचे वाले के कॉन्जुगेट से करते हैं हमेशा डिनोमिनेटर वाले के, अपॉन वन माइनस साइन थीटा
और ये 1 प्लस 9। सेम ही एक्सप्रेशन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, ये तो जानते हो ना आप लोग, एक बार में आपका ये अंडर रूट नीचे तक चेंज होती है, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हो गया, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कौन सी आइडेंटिटी से जानते हो आप लोग, कौन कौन सी आइडेंटिटी है उसकी, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास ये प्लस है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ब्रेक कर दो इसको, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अभी तो आपको समझ आ गया वो क्या आ रहा है, 1 अपॉन कॉस थीटा sec थीटा होता है और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा sin थीटा होता है, और यही आपको आई थिंक प्रूव करना है। तो आपका ये RHS आ गया है, आई थिंक दिस इज क्लियर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में LHS आपके पास क्या बच्चों, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 2 कॉस थीटा लाना है। अब यहां सीधा आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, यहां तो रैशनलाइज नहीं कर पाएंगे ना, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो और ज्यादा उलझ जाएगा, तो यहां पर आपको सीधा क्या करना है, एलसीएम लेना है, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस, इसी तरह साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और होल स्क्वायर तो जानते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, 2 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से 2 ही आएगा कॉस थीटा, और अपॉन इसको अभी ऐसे छोड़ देना, मैंने पहले भी बताया आपको पहले क्वेश्चन में, को आपको सॉल्व नहीं करना है नीचे जो भी डिनोमिनेटर में, बाद में देखेंगे अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो पता है कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखो, 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, अभी 2 प्लस 2 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा ऑब्वियसली, 2 कॉमन लेकर ऊपर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया है, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा क्या होता है 2 कोसेक थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और 2 मल्टीप्लाई में है ही ये, तो इसलिए 2 कोसेक थीटा आपका फाइनल आंसर है, यही आपका आ रहा है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p then p square minus 1 upon p square plus 1, आपको
फाइंड आउट करना है, आई थिंक इज इक्वल टू साइन थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। ये इक्वल का साइन बीच में होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, जहां तक यही है कि इक्वल टू साइन थीटा आपको यहाँ पर लाना है आई थिंक को, ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। एक मिनट दे दीजिए, हमें गलती नहीं होनी चाहिए। प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी, ये तो आपको यहां पर ये साइन थीटा इक्वल में लाना है। तो मैं एक बार इसको ठीक कर दूं आप लोगों के लिए, इक्वल, ठीक है, तो क्या इक्वल ही रहा था ना। पहले चेस में इफ तो आपको गिवन है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज दिस, बेसिकली LHS आपके पास पी स्क्वायर माइनस वन, यानी के sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ये LHS बेसिकली। आपने तो पी का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा tan थीटा, टू sec थीटा। अब मैं वैसे आपको एक आइडिया देना चाहूंगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन tan स्क्वायर थीटा होता है, चलिए अभी लिख देते हैं, टू sec थीटा मतलब sin थीटा cos थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, बाद में भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan थीटा और माइनस वन अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा tan थीटा और प्लस वन। चलिए इधर आ जाइए, अभी हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, है ना, और tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा टू tan स्क्वायर थीटा। एक स्टेप मैं कम लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ साथ में, सुन लीजिए इसको, टू tan स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा tan थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे वाट tan स्क्वायर थीटा प्लस वन sec स्क्वायर थीटा होता है, और एक sec स्क्वायर थीटा ये है, तो टू sec स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा tan, ठीक है। अभी ऊपर टू tan थीटा कॉमन निकाल दो, टू tan थीटा कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा, अपॉन नीचे टू sec थीटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में फिर से बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, या आप सीधे लिख दो tan थीटा प्लस sec थीटा, एक ही बात है, और ये दो सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे आ रही है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब आपके लिए चीजें आसान हो गई, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और अपॉन cos sec थीटा क्या होता है, वन अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये वन अपॉन cos थीटा डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन वन, यानी कि cos थीटा से cos थीटा डिवाइड, तो आपको जो लाना था sin थीटा आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ ये बड़ी आसानी से आपको सॉल्व हो गया अगर आपने ध्यान से किया है, ठीक है, कहीं थोड़ा भी मिस्टेक किया तो ये फंस जाता है क्वेश्चन, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में LHS गिवन है आपको sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और RHS आपका है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो ये यहाँ प्लस है, वहां मल्टीप्लाई में लाना है, थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में सब चीजें बड़े आसानी से बन जाती है, किस तरह से कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा में कैसे आए।
तो मैं आपको आइडिया दूंगा कि फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन इसको सीधे सीधे आप कॉस और साइन में कन्वर्ट करो, है ना। तो 1 अपॉन cos² थीटा हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन sin² थीटा हो जाएगा। और यहाँ sin² थीटा cos² थीटा sin² थीटा एलसीएम ले लो, cos² थीटा sin² थीटा एलसीएम आ जाएगा। cos² थीटा से cos² थीटा डिवाइड हुआ, sin² थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से जाएगा, तो sin² थीटा आ जाएगा। प्लस sin² थीटा से sin² थीटा डिवाइड हुआ, cos² थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos² थीटा आ जाएगा। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा आप जानते हो, बहुत बार पढ़ लिया आपने, 1 होता है 1 अपॉन cos² थीटा और sin² थीटा। अभी तो समझ में आ गया होगा, रेसिप्रोकल लिख दोगे इनके सीधे से, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, तो इसलिए sec² थीटा आ जाएगा। 1 अपॉन sin² थीटा cos थीटा होता है, 1 अपॉन sin थीटा, इसलिए 1 अपॉन sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा। जो आप सोच रहे थे, मतलब जो आपको लाना था, वो आ गया है अभी बहुत आसानी के साथ, ठीक है। सिर्फ आपने स्मार्ट से इसको सॉल्व किया और आपका आंसर आपके सामने है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर आप मुझसे पूछिए, उसका सॉल्यूशन हम आपको जरूर देंगे। तो ये LHS में ये हमारा RHS आया है, क्या है? RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस tan टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ कर रहा है, तो सीधे LHS लिखो। LHS गिवन है आपको sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस tan टू दी पावर 4 थीटा, और लाना क्या है आपको, 1 माइनस tan² थीटा लाना है। तो क्या किया जाए? बिल्कुल क्या किया जा सकता है, हम जानते हैं a² माइनस b² क्या होता है, a+b और a-b। तो ये आइडेंटिटी देखो कितनी बार यूज हो रहा है, तो विशेष ध्यान दीजिए। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं sec² θ² - tan² θ² अब ये आइडेंटिटी हमारा यूज करेंगे, तो a प्लस बी यानी कि sec² θ + tan² θ और a माइनस बी sec² θ - tan² θ। अभी कुछ जानी पहचानी आइडेंटिटी आ रही है क्या? यस, sec² θ - tan² θ क्या होता है, 1 होता है ना। क्या जानते हो आप जानते हो sec² a - tan² a = 1। जब हम जानते हैं तो उसका यूज करेंगे, है ना, जानते हो ना, जानते हो तो उसका आपको यूज करना है, पर तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो sec² θ प्लस tan² θ आ जाएगा, क्योंकि इंटू 1 हो गया, यही आना है। अभी हमें tan के फॉर्म में चाहिए, तो sec² θ को भी इसी आइडेंटिटी से लिख देंगे, sec² θ = 1 + tan² θ। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 1 + tan² θ, तो 1 + tan² θ और +tan² θ। पर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये 1 + 2 tan² θ आ रहा है। अच्छा, आपका तो आपको 1 - tan² θ लाना है, ये बोल रहा है। अभी तक तो कोई इशू है नहीं इसके, sec² θ² होल स्क्वायर tan² θ होल स्क्वायर sec² θ - tan² θ sec² θ - tan² θ दैट इज 1, sec² θ + tan² θ, और sec² θ होता है 1 + tan² θ + tan² θ, 1 + 2 tan² θ, तो ये आ रहा है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अब आगे और क्या हो सकता है उस पर हमें बात करनी है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन जरूर चेक करना चाहूंगा, ये ठीक है क्या।
ये ऊपर ही गलती है, ये नहीं प्रूफ करना है ना, इसको मैं ठीक कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक मिनट दे दीजिए। ये हमारा आंसर आ गया है, फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये चलिए 1 + 2 tan²θ ही प्रूफ करता है, ठीक है, ये ठीक हो गया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। LHS आपके पास है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है गाइस कभी कभी ना, 1 + cos θ / 1 - cos θ, और आपको RHS में लाना है cos x θ + cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या करें, क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ करने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, क्या इसको रेशनलाइज कर दो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यानी कि 1 - cos θ / 1 - cos θ, ठीक है, तो ऊपर तो होल स्क्वायर आएगा 1 + cos θ का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, चलो ऊपर लिख दो 1 + cos θ का होल स्क्वायर और अपॉन क्या आ गया, ये फिर से वही आइडेंटिटी आ गई ना, क्या क्या आ गई बताओ, a + b a - b, यानी कि 1 - cos²θ। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, a + b (a - b) = a²-b², और 1 - cos²θ ही आपको पता है, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ये होता है sin²θ, 1 + cos θ का होल स्क्वायर और अपॉन sin²θ, और अभी तो ऊपर नीचे होल स्क्वायर हो गया है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 1 + cos θ / sin θ का होल स्क्वायर, और अभी इसको ब्रेक कर दो प्लस को, अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 / sin θ + cos θ / sin θ का होल स्क्वायर, और 1 / sin θ क्या होता है, cos θ होता है, तो cos θ / sin θ क्या होता है, cos θ, और cos θ का होल स्क्वायर, आई थिंक यही आ रहा है, जैसे यही आपको प्रूफ करना था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनको बड़े ध्यान से आप एग्जाम में करके जाइए सब क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, LHS आपको गिवन है क्या, tan θ + sin θ / tan θ - sin θ, और RHS में आपको sec θ + 1 / sec θ - 1 लाना है। फिर से जब इस तरह की कंडीशन हो तो सबको tan θ को sin और cos में आप कन्वर्ट कर दो, जैसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि पहले कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर sin θ / cos θ + sin θ, जैसे अपॉन में sin θ / cos θ - sin θ, ठीक है, cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, sin θ + sin θ cos θ, sin θ + sin θ cos θ, इस तरह से अपॉन में फिर से cos थीटा एलसीएम आ जाएगा और sin θ - sin θ cos θ, cos θ से कैंसिल, एक लाइन इधर खींच देते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं sin θ आपका ऊपर कॉमन आ रहा है, तो sin θ कॉमन लो, ये क्या आ जाएगा, 1 + cos θ अपॉन, नीचे भी sin θ कॉमन आ रहा है, ये क्या आ जाएगा, 1 - cos θ, sin θ से sin θ डिवाइड हुआ,
अब आपके पास आपको लाना था sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा माइनस वन, लेकिन आपका आगे वन प्लस cos थीटा अपॉन वन माइनस cos थीटा, बहुत आसान है, इसको वन अपॉन sec थीटा लिख दो, वन प्लस वन अपॉन sec थीटा में लाना है तो अपॉन वन वन माइनस वन अपॉन sec थीटा, अब ऊपर sec थीटा एलसीएम लोगे तो sec थीटा प्लस वन आ जाएगा जो चाहिए था आपको, और अपॉन sec थीटा एलसीएम sec थीटा लिया है, इस तरह से नीचे sec थीटा एलसीएम लोगे तो sec थीटा माइनस वन आ जाएगा, sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, बस फाइनल आंसर आ चुका है आपका sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा माइनस, यही आपको लाना, ठीक है, तो आर एस एस आपका आ गया है, ओके आई थिंक दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, यहाँ आपके पास है एल एच एस है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और राइट साइड में लाना है आपको वन माइनस tan थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, क्या करें साइन थीटा मिलाना है, एक तो हो सकता है कि इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस टू sec थीटा tan थीटा, है ना, इससे क्या फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा मुझे हो नहीं रहा है, मतलब कन्वर्ट करके फिर कॉमन लेके कर सकते हैं, तो इससे अच्छा मैं आपको आइडिया दूंगा कि इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो ये वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सबसे सही तरीका होता है अगर हमें इसमें लाना है, अब यहाँ कॉस थीटा एलसीएम आ रहा होगा इसमें सीधा सीधा ले लिया कॉस थीटा एलसीएम, तो ये वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, अब आपको होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, वन माइनस साइन थीटा तो ऊपर आ रहा है जो चाहिए था, है ना, लेकिन प्रॉब्लम है कि नीचे वो नहीं आ रहा है जो नीचे चाहिए, तो होल स्क्वायर एक बार ऊपर पैसे लिख देते हैं क्योंकि ऊपर मुझे वन माइनस साइन थीटा चाहिए, नीचे कुछ करना पड़ेगा तो नीचे कर पाएगी, है ना, ऊपर होल स्क्वायर ओपन नहीं करना, तो वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे छोड़ दो, यही स्मार्टनेस दिखानी होती है, अगर आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो फिर वापस आपको वापस होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा, तो उससे बचना है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी तो फिर वही आइडेंटिटी, ए की आइडेंटिटी बार बार यूज हो रही है, तो कितनी काम की आइडेंटिटी है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पर वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा से एक जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, तो बेसिकली आपको फाइनल आंसर मिल गया आपका वन माइनस साइन थीटा और अपॉन वन प्लस साइन थीटा, कोई डाउट है क्या कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, कुछ भी इशू आ रहा है या कोई भी डाउट लग रहा है आपको, ठीक है, ये आपका आर एच एस आ गया जो आपको प्रूफ करना है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ p cos थीटा प्लस q cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू a, p sin थीटा माइनस q cos थीटा इज इक्वल टू b, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ध्यान से करने वाला क्वेश्चन, तो यहाँ तो हम देख सकते हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या कुछ बनेगी, जब बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर p का जो cos थीटा का कोफिशिएंट यहाँ p है और यहाँ sin थीटा का कोफिशिएंट p है, मतलब sin आ रहा है p के साथ यहाँ कोफिशिएंट में, और यहाँ
और उसके साथ की आ रहा है। तो और क्या कहानी हो सकती है इसके अंदर, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो क्या आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, वही सोचना होता है मेन, कॉम्प्लिकेटेड ना हो किसी भी तरह से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन आपके, ठीक है। क्या आसान बनाया जाता है, अगर आप वैल्यू अगर पुट करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए देखिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन, तो ये लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एड द इक्वेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब p cos थीटा प्लस q sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, p cos थीटा प्लस q sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो दोनों को ऐड भी करना है, तो राइट हैंड साइड में ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, प्लस पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड ए स्क्वायर, दूसरे वाले का राइट हैंड साइड बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एड द इक्वेशन, ये लिख दिया था हमने। अब आपको क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन करने हैं, तो होल स्क्वायर तो यहां बता देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है ना। तो यहां पर p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा प्रोडक्ट में कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ता नहीं, सेम है पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस ए, अगर ए माइनस बी कॉस स्क्वायर है तो माइनस टू ए भी आता है, तो टू साइन थीटा cos theta is equal to a square plus b square, देखो प्लस टू पी क्यू भी है, वेरी सॉरी नॉट ओनली टू पी क्यू भी है ना बेटा, टू पी क्यू, अभी आप देख रहे हो टू पी क्यू साइन थीटा cos theta पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हुआ, और क्या हो रहा है, यहां आप देखिए बहुत ध्यान से देखने की चीजें हैं, ये पी स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लो और दूसरे वाले में से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर आपने p स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसी तरह से अगर आपने q स्क्वायर कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, देखो कितना आसानी से ये चीजों को हमने यूज कर लिया, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई थिंक आपको आप समझ में आ गया होगा क्या आने वाला है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन होता है, ये सब आपके एक बॉक्स में डाल देते हैं अलग, ये क्या है, वी नो दैट, अरे आपके वी नो दैट, तो क्योंकि ये वन होता है तब तो कुछ बचा नहीं है, तो ये पी स्क्वायर इंटू वन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वन क्यू स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आ गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत देर से चल रहा था, ये आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस
दैट इज अ वेरी मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. अगर हम ये वैल्यूज को ट्रांसफर वगैरह करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पेज भर से चले जाएगा और आपके आंसर आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर आना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत स्मार्टली इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपको यहाँ फाइंड आउट करना है. तो ये तो थोड़ा सिंपल बात हो गई. अगर आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है, ये आइडेंटिटी पता है कि ये क्या होता है, पी प्लस क्यू और पी माइनस, यहाँ आपको आसानी से पता चल गया क्या होने वाला है. तो पी और क्यू का वैल्यू यहाँ डालेंगे, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इस तरह से प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा ध्यान से करना है यहाँ पर प्लस साइन थीटा. अभी देखो माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा और ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा. तो माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा, थोड़ा जगह काम है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को बेटा. चलिए इसको थोड़ा सा मिटा के दोबारा लिख रहा हूँ ध्यान से फिर से. क्या टेन थीटा प्लस साइन थीटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगला ब्रैकेट में पहले बाहर माइनस है तो माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, तो टेन थीटा जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का साइन थीटा है वो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा, कैंसिल करो, साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा आ गया है, इंटू यहाँ टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हुआ, टू साइन थीटा आ गया. कोई प्रॉब्लम, टू जो फोर टेन थीटा और साइन थीटा आपका ये फाइनल आंसर आ गया. अब तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखोगे तो उसके क्या फर्क पड़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा. तो वो तो एक अलग अलग अप्रोच है, अगर आप कुछ प्रूफ करने के लिए देगा तो वो आप करोगे, नहीं तो ये आपका फाइनल आंसर है. आई थिंक दिस इज क्लियर, फोर टेन थीटा साइन थीटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो आज के लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं, प्रूफ दैट साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा इज इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर हमारी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज होती है, वो मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए. ठीक है, उसी का यहाँ पे मैं यूज कर लें. तो यहाँ पर आपको गिवन है एलएचएस में एक आइडेंटिटी, फिर बाद में करेंगे, इसको लिख देते हैं. तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर क्यू, सिक्स है ना, थ्री टू जैसे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू दी पावर क्यू. अभी आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज करो. तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन टू दी पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर फोर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, हम सब जानते हैं. तो अभी हमारे पास क्या बचा फाइनली, साइन टू दी पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर फोर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर, माइनस टू नहीं ये तो हमें करना है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ स्मार्टनेस दिखानी है, हम जानते हैं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल्स टू, या माइनस टू ए बी, यहाँ माइनस लो माइनस लो, माइनस टू ए बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना। अभी माइनस तो आ रहा है लेकिन टू नहीं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ऑफ का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो वो टू बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर मुझे यहाँ टू बनाना है और हमारा कुछ चेंज भी नहीं होना चाहिए है ना, तो क्या यहाँ ऐसा किया जा सकता है, फिर ध्यान देना है बेसिकली। अगर यहाँ पर ये हमारा अगर प्लस में लाना हो प्लस में ला सकते हैं, तो प्लस में लाना होता है प्लस होना चाहिए, तो प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास लिख देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ वन लाना है, वन लाना है तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए है ना। अब अगर आपने प्लस किया है तो ऑब्वियसली आपको माइनस भी करना होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा से प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये मैथमेटिक्स में हम मैनिपुलेशन कर देते है ना। तो अभी आपके पास क्या बन गया है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन को आप अलग से लिख दो, मैं कलर अलग ले रहा हूँ दिखाने के लिए। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और साथ में लिख दिया हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ लाकर प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी ये होल स्क्वायर बन गया, चेक इसका होल स्क्वायर ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो वन होता है तो वन स्क्वायर इज वन, इसलिए वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए है ना, और ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, बड़े आसानी के साथ मैंने आपको ये समझाए। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि नए नए वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। अगर आप जितना ज्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जो भी आप लोगों की हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम से। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।